पहले के समय में जब विज्ञान का जन्म नहीं हुआ, जब तक लोग यही सोचते थे कि तारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, उस समय अगर कोई तारा टूट जाता था तो लोग उससे अपनी विश मांगने लग जाते थे। लेकिन साइंस की वजह से हम लोग ये जान पाए कि तारे बहुत ज्यादा विशाल है। एक तारे में हमारी पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह समा सकते हैं। हर तारे के पास ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड आदि उस तारे की परिक्रमा लगाते हैं, जिसको हम तारामंडल कहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मांड में जन्मी हर एक चीज का अंत निश्चित है, लेकिन किसी तारे का अंत इतनी आसानी से नहीं होता। उनके अंत में करोड़ों साल लग जाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको वार्म होल के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं वार्म होल क्या होता है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वर्ष 1915 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जो एकदम सही थी। उसी के सहारे हमने आज स्पेस, टाइम, लाइट, प्लैनेट, स्टार्स आदि के बारे में बहुत कुछ जाना है। इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में दो पॉइंट के बीच एक सुरंग होती है, जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देती है, जिसकी सहायता से हम अंतरिक्ष के छोर से दूसरे छोर तक कम टाइम में जा सकते हैं। इस थ्योरी को आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने साबित किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक वार्म होल को बनाने के लिए हमें पूरे एक सूरज जितनी ऊर्जा चाहिए, इसलिए वार्म होल को बनाना आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इतनी ऊर्जा पैदा करना संभव नहीं है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हम तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाएं और इतनी ऊर्जा पैदा कर सके कि एक वार्म होल बना सके। आज के समय हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कई सालों पहले की बात करें तो उसकी कल्पना अगर कोई करता तो भी लोग उसे पागल कहते थे। अगर हम उस समय मोबाइल की बात करते तो लोग यही कहते कि क्या बकवास कर रहे हो, हजारों किलोमीटर दूर इंसान एक दूसरे से कैसे बात कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में ये एक आम बात हो गई है, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आज जो कल्पना है वो गलत है। भविष्य में हम उस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं जो आज के समय बिल्कुल असंभव है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल अद्भुत वर्ल्ड 2.0 के साथ। धन्यवाद।